हुकूमत ने अदालती अहकाम पर अमल दरामद के लिए कमर कस ली। पी टी आर की एहतजाज के पेश नजर जुड़वा शहरों के रास्ते जुजवी तौर पर बंद। श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट के मुकाम पर सील। जी टी रोड से इस्लामाबाद आने वाला रास्ता तीर क्रॉस पर बंद। एक्सप्रेस हाईवे जी टी रोड एक्सप्रेस वे को श्रीनगर हाईवे से मिलाने वाला रास्ता 0 पॉइंट से बंद कर दिया गया। अवाम की सिक्योरिटी के लिए मजीद 30,000 एहलकार इस्लामाबाद पहुँच गए। एहतजाज से पहले ही शरपसंदों की गिरफ्तारियां शुरू। जरा के मुताबिक इस्लामाबाद से सैकड़ों शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से हथियार बरामद। पुलिस ने रात के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। जहां सिक्योरिटी खर्चात हैं वहां मोबाइल डाटा और वाईफाई सर्विस की बंदिश हालात देखकर करेंगे। तर्जुमान वजारत दाखिला ने इंटरनेट सर्विस बंद करने की अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा कि मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। तहरीक इंसाफ शहर इकतदार पर यलगार के लिए तैयार। अदालती अहकाम हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ इंतशार पर बसर एहतजाज मौखर करने के लिए ऑप्शन मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा से तमाम काफिलों को सुआबी इंटरचेंज पर जमा होने की हिदायत कर दी। अली अमीन कंडापुर भी काफिले की सूरत में पेशावर से सुआबी पहुँचेंगे, जबकि बैरिस्टर गौहर कहते हैं एहतजाज की कॉल से बानी पीटीआई वापस ले सकते हैं। एहतजाज होगा, हर सूरत होगा, इस्लामाबाद जाएंगे, हर सूरत जाएंगे। लाहौर में स्मॉग में कुछ हद तक कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार चढ़ाव जारी। अब से कुछ देर पहले तक दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का पहला नंबर। इंडेक्स 400 के करीब जा पहुंचा। मुल्क के आलूदा शहरों में भी लाहौर सरफहरिस्त, मुल्तान दूसरे, पिशावर तीसरे, जबकि कराची पांचवें। आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। लाहौर के शहरियों ने SOP हवा में उड़ा दी। सूरत हाल मजीद खराब होने का अंदेशा। इंतजामिया ने शहर में फेस्टिवल और नुमाइश की इजाजत दे दी। और CTD ने रावलपिंडी को बड़ी तबाही से बचा लिया। बड़े हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में फितना और खवारिज के 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई चक्री के करीब की गई, जिसमें 2 दहशतगर्द फरार हो गए, जिसकी तलाश जारी है। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से खुद को जैकेट, सेफ्टी फ्यूज, वायर IED, बम, राइफल, गोलियाँ और दीगर बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।